आदरणीय जयराम ठाकुर जी का सूल विधानसभा क्षेत्र में समस्त जनता जिंदाबाद जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज सूल विधानसभा क्षेत्र के अंदर फिर अपना आशीर्वाद देने के लिए आपने हमारा चक्कर लगा शीघ्र मंच पर आए और माननीय आपका आभार सर। मेरा निवेदन भारत माता की जय। हाँ आज के इस कार्यक्रम अन्य सभी अधिकारीगण हमारी पार्टी के सभी समस्त नेतागण मातृशक्ति नौजवान साथी हो सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सात उद्घाटन और सात उद्घाटन के साथ साथ में चार शिलान्यास के कार्यक्रम भी संपन्न हुए। तो मैं देख रहा हूं लगभग 88 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास आपके विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद राम जी को जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुल जो डबल लेन का जिसके लिए वर्षों से मांग थी हमारे बीबीएनडीए के जो प्रतिनिधि हैं वो भी बार बार इस बात की आग्रह करते थे हमारे इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी बार बार इस बात की आग्रह करते थे वो बालक तट पर पुल बनना चाहिए डबल लेन का बनना चाहिए। तो लगभग मैं शायद मुझे ठीक याद नहीं शायद 2 साल के करीब पहले मैंने उसका शिलान्यास किया था और आज जो है वो 12.5 करोड़ की लागत से बन करके वो पुल तैयार उसका उद्घाटन किया इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उसी तरह से मुझे इस बात की भी बहुत प्रसन्नता है कि बद्दी हमारा जो है बहुत एक इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया होने के नाते यहां पर पर्यावरण की दृष्टि से थोड़ी परेशानी रहती है क्योंकि जहां इंडस्ट्री होती है तो स्वाभाविक रूप से वहां पर इस प्रकार की एक स्थिति रहती है कि पर्यावरण थोड़ा खराब होता है और उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए जो कॉन्टिन्यूस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जिसकी आज विधिवत यहां पर उद्घाटन हुआ 1.75 करोड़ की लागत से उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और एक सड़क है जिसका मानपुरा धर्मपुर मार्ग पर जिसका अपग्रेडेशन हुआ 12.5 करोड़ की लागत से उसका भी आज उद्घाटन हुआ उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं।